उत्तर प्रदेश के हरदोई में नवनिर्मित बैंकिंग भवन के 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज वीरवार को हो गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि बीसी सखी पद पर चयनित महिलाओं को न केवल आय अर्जित होगी बल्कि आम आदमी को उनके घर पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। दरअसल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बीसी सखी के ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे जिसमें जनपद की ग्राम पंचायत में 1296 महिलाओं को चयनित किया गया जिनको 6 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की परीक्षा को पास करने पर बीसी सखी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये बीसी सखी ग्राम पंचायतों में धनराशि लेन देन के साथ साथ अन्य बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध कराएंगी जिससे ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों को धनराशि के लेन देन के लिए बैंक तक जाने और लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीसी सखी को बैंकिंग सुविधा इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए NRLM के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 50,000 रुपए ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें बीसी सखी लैपटॉप कार्ड रीडर फिंगरप्रिंट रीडर आदि क्रय करेंगे। बीसी सखी नियुक्त प्रथम 6 माह तक NRLM द्वारा 4,000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान क्या है सर ये और किस तरीके का प्रोग्राम आयोजित किया गया था? ये RCT ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार राज्य सरकार और जो हमारे लीड डेवलपमेंट जो बैंक हैं उनके माध्यम से इसका इसको बनाया गया है। यहाँ पे विभिन्न तरीके के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनके लिए ताकि वो रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त करके और रोजगार में अपना अपने आप को रोजगार जो बेरोजगारी के जो वो हैं उससे बाहर कर सकें और यहीं के माध्यम से जो ट्रेंड लोग होते हैं उनको रोजगार भी प्राप्त कराया जाता है। उसी के क्रम में आज यहाँ पे प्रदेश सरकार ने एक अच्छी स्कीम चालू करी है वो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो SHG समूह के जो अध्यक्ष हैं या जो समूह के किसी तरीके से हिस्सा हैं उनका प्रथम चरण में प्रदेश सरकार ने इस तरीके एप्लीकेशन मंगाई थी और उनमें से जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखते थे उनका चिन्हांकन किया है। अब उनकी प्रथम चरण की ट्रेनिंग होगी यहाँ पे 35 से 35 लोग प्रत्येक 6 दिन तक उनकी ट्रेनिंग चलेगी 2 बैचेस में और यहाँ पर इस जनपद में 1295 लोगों का चिन्हांकन किया गया है। उनको ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के माध्यम से लिया जाएगा और जो उसमें क्वालिफाई करेंगे वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे बैंक सखी की तरह कार्य करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो लोगों को समस्याएं आती हैं बैंक में असुविधाएं होती हैं वो उनके घर जाके उसको उपलब्ध कराएंगे। ये प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत बैंक की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही साथ जो एक ज़्यादा इंटरेस्ट पे जो उनको ऋण मिलता था वो एक सस्ते दर पे वो ऋण प्राप्त कर सकेंगे और उसके माध्यम से अपने आप को बार सकेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।